नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, देश और प्रदेश का सबसे भरोसे न्यूज चैनल, और मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी। आज हम आपको सीमा हैदर के वो राज बताएंगे जिसको अभी तक आपने सुने नहीं होंगे, ऐसे वीडियोस दिखाएंगे जिसको अभी तक आपने देखे नहीं होंगे। अब आपको हम बताते चलें कि ये वीडियोस कहाँ के होंगे। ये वीडियोस हैं पाकिस्तान के, वहां पर सीमा हैदर क्या करती थी उसकी पूरी सटीक जानकारी आपको सिर्फ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देगा। कैसे सचिन के संपर्क में आई सीमा हैदर, उसके बाद सीमा हैदर का नेपाल आना हुआ, वहां पर उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में कैसे शादी की उसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके अलावा नेपाल में 7 दिन जो सीमा हैदर ने सचिन के साथ बिताए थे उसमें ढेर सारे वीडियो बनाए गए थे, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके अलावा उसके बाद सीमा हैदर वापस पाकिस्तान लौटती हैं और वहां पर अपने परिवार के साथ सिंदूर लगा के ढेर सारे वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर जहां पूरे देश में अलग अलग चर्चाएं हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की जनता क्या मानती है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम मौजूद हैं, चटोरी गली में। यहां पर कई सारे नौजवान लोग हैं हमारे बीच, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सीमा हैदर को लेकर के क्या कहेंगे, सीमा हैदर को जाना चाहिए वापस पाकिस्तान? अरे हम तो कह रहे हैं पाकिस्तानी तुरंत चली जाए। हाँ। वो प्यार में आई है यहाँ पर, जिससे प्यार करती थी उसने कोई मतलब नहीं। अच्छा, और क्या, पाकिस्तान से इसीलिए पाकिस्तानी है, वापस जाए, बस बात खत्म। आप क्या कहोगे, सीमा हैदर को वापस जाना चाहिए पाकिस्तान? मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए, बट हम लोग, मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं इंडिया में कंडीशंस एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि हम जब से, मतलब हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है, कह सकते हैं मोदी जब से आए हैं यहाँ पे, मतलब जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ आ रहे हैं तो उनको, मतलब यहाँ पे चीज़ें अच्छी लग रही हैं, इसलिए वो आई है। और मेरा मानना है कि हाँ, उसको जाना चाहिए अगर, क्योंकि हमारा पाकिस्तान के साथ मतलब कुछ अच्छा रिलेशंस नहीं है तो उसको बेसिकली भगा देंगे, लेकिन अगर प्यार मोहब्बत वाली कोई चीज़ है, अगर उसको यहाँ रहना है तो डेफिनेटली रहे। मोहब्बत वाली चीज़ है, 4 बच्चों को लेकर के आई है वो यहाँ पर, उसका पति कह रहा है कि उसको आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो सचिन है, जो सचिन मीणा जिसके लिए वो यहाँ पर आई है, उसका कहना है कि वो साथ रहेगा। शादी की उन लोगों ने बेसिकली नेपाल में शादी की थी, उसके बाद यहाँ आए, वहाँ पर रील्स बनाई। तो मेरा मानना है कि अगर उन लोग का मतलब सिटीजनशिप इंडिया के, तो लोग बेसिकली रह सकते हैं। अगर उसमें से, अगर जो सचिन है, अगर वो इंडिया का सिटीजनशिप उसके पास है तो वो रह सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सीमा हैदर भी रह सकती है? हाँ, सीमा, क्योंकि एक लोग का सिटीजनशिप होना जरूरी है। थैंक यू। बिल्कुल, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ जी, सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस क्या लगता है? हाँ जी बिल्कुल, सीमा हैदर को वापस से पाकिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि वो पबजी से कैसे मिलके कोई आ सकता है, वो भी अपना पूरा घर बार छोड़ के। सीमा हैदर लेकर क्या आम लोगों की राय है वो हमने आपको बताया। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज लखनऊ। सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर ने सीमा हैदर को लेकर क्या खुलासा किया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। सीमा हैदर का पाकिस्तानी सेना के साथ क्या कनेक्शन है उसके बारे में गुलाम हैदर ने क्या खुलासा किया है। इसके अलावा इस समय सीमा हैदर के ढेर सारे बॉयफ्रेंड सामने आ गए हैं, कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि हम उनके साथ शादी करना चाहते थे, उसके बारे में गुलाम हैदर ने क्या कहा है ये भी खुलासा हम आपको करेंगे। गुलाम हैदर का क्या सपना है, सीमा हैदर का जो सपना है वो व्यापार करना चाहती हैं, इसको लेके गुलाम हैदर ने क्या कहा, इसका भी हम खुलासा करके आपको बताएंगे। लेकिन एक असली और बड़ी बात कि आखिर गुलाम हैदर कब भारत आ रहा है सीमा हैदर को लेने के लिए, इसका सबसे बड़ा खुलासा सिर्फ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड करने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, और मेरे साथ गुलाम हैदर हैं, जो सीधे इस समय आप दुबई में हैं कि पाकिस्तान में? नहीं सर, सऊदी अरब। अच्छा गुलाम साहब, मुझे ये बताइए कि सीमा हैदर के बारे में तो रोज नई बातें आ रही हैं, नई जानकारी मिल रही है, ढेर सारे लोग दावा कर रहे हैं कि ये हमारी दोस्त थी, ये हमारे साथ थी, हमारा इनके साथ लव अफेयर था, ये क्या हो रहा है ये? सर एक तो मैं कुछ नहीं कह सकता, शायद ये बेबुनियाद बातें हैं, कोई ऐसे झूठा दावा कर रहा है या कुछ उसको बदनाम करने लिए या कुछ, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अब यू कहने वाले कुछ भी कहे,
इनके पास भी कानूनी कार्रवाई होगा, कहीं भी है पाकिस्तान से कर रहे हैं कहीं भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसलिए भी मैंने आवाज उठाया कि इनको नहीं करना चाहिए, उसका मैं वारस जिंदा हूँ और जीता जाता एक सबूत हूँ। मैं कहाँ कहाँ तक आवाज उठा रहा हूँ, उसको बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं या उसको कुछ भी किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद बातें हैं। करें तो जो किसके मुंह तो किसी ने बंद नहीं किया, वो अपने हिसाब से कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो तो उनको पता है सर, मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे भी ऐसा सुनने में आ रहा है सर। अच्छा गुलाम हैदर साहब, ये बताइए कि एक उनकी तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है कि ये सेना में मेजर थी, उसके अलावा अब सीमा हैदर कह रही हैं कि हम जो है भारत में ही व्यापार करना चाहते हैं, उसके लिए बाकायदा प्लानिंग कर रही हैं, तो पहले मुझे इसका जवाब दीजिए कि वो क्या कभी सेना में रही हैं, क्या कभी मिलिट्री के साथ रही हैं सीमा हैदर? नहीं सर, नहीं था, बिल्कुल नहीं थी कभी। नहीं नहीं। अच्छा ये बताइए कि जब यहाँ से वो नेपाल आई थी, नेपाल से पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करके गई और वहां पर जब आपके परिवार के साथ या अपने भाइयों के परिवार के साथ रहती थी, बाकायदा सिंदूर आदि लगाती थी, तो आपको ये नहीं लगता है कि उस समय आपको जानकारी नहीं हुई कैसे? नहीं सर, मेरे माँ बाप तो जकमाबाद रह रहे हैं, ये कराची शहर बिटाइयाबाद में रह रहा था, केस का दावा है कि कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता है, मैं सर शायद औरतों को जहाँ मोहल्ले वालों को पता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अभी सीमा ये कुछ वीडियो वायरल कर रहे हैं तो इस बात में तो पता चल रहा है, शायद किसी को पता हो भी सकता है। तो आप ये कहना चाहते थे कि कुछ लोगों को पता हो सकता है कुछ लोगों को नहीं हो सकता, मतलब आपको जानकारी नहीं थी? नहीं नहीं, हमारे घर को, माँ बाप को, मुझको, बिल्कुल हमारे रिश्तेदारों को, किसी को ये बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल सर। सीमा हैदर अब यहाँ पे व्यापार करना चाहती हैं, कह रही हैं कि मैं अब यही व्यापार करूंगी, यही बिजनेस करूंगी, यही जिंदगी जीऊंगी, ये तो इनके झूठे ख्वाब है, ख्वाब तो हर किसी को हक है देखने के लिए, ये है पाकिस्तानी और पाकिस्तान आएगा इंशाल्लाह। ये अभी यूट्यूब अपने लोग दिखा रहे हैं कि मतलब वो थोड़ा हिंदू धर्म में इसको अपना रहे हैं कि हम लोगों का यही सोच है कि हमने मुस्लिम लड़की को एक लेकर हिंदू किया, बाकी कुछ भी नहीं है, ये दो दिन का जो ये है ना शौक ये उतर जाएगा, असलियत इसको याद आएगा कि हैदर सही बोल रहा था मुझे सर, ये बिल्कुल अभी भी आएगा, मोदी सरकार को, योगी सरकार को रिक्वेस्ट की है, ये जल्द से जल्द अभी पाकिस्तान आएगा इंशाल्लाह सर। आपने कोशिश की बात करने से बच्चों से या सीमा हैदर से? नहीं, सीमा तो अभी पता नहीं, ये तो नहीं आ रहा लाइव, मेरे घर में कल परसों से नहीं आ रहा है कि कोई कह रहा है कि डॉक्टर के हवाले है, कोई कह रहा है तो वो घर छोड़ के चला गया सर, इस बारे में मुझे तो कोई इलम नहीं है, आप लोगों ने कोशिश किया होगा शायद बात करने का कि आ रहे है मीडिया में, नहीं आ रहे है, कहाँ है, किधर है। सीमा हैदर अब जो है फेसबुक से पैसा कमाने में लगी है, उनके 1 लाख फॉलोअर हो गए हैं फेसबुक पे, उनके इंस्टाग्राम पे 20,000 से ज्यादा फॉलोअर हो गए हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी की बात है गुलाम साहब, आपको लगता था क्या कि सीमा हैदर ये सारी चीजें जानती हैं, इतनी टेक्नोलॉजी जानती हैं, कभी आपने देखा था क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मेरे इलम भी नहीं था और ये लिखी पढ़ी भी नहीं है, ये किसी का बस ये प्रोपेगेंडा है या इसको इंटेलिजेंट बनाया गया है, अभी तो ये कह रहा है कि मैं मतलब कारोबार करूंगा, इधर से व्यापार करूंगा, ये सरासर झूठ है, घर ही आएगा इंशाल्लाह। आपका क्या रहा है, आप लोगों ने रब्ता किया कि नहीं किया, किधर है वो? अभी तो वो वही ग्रेटर नोएडा में है सचिन के साथ, अपने पति के साथ, वो कह रहे हैं कि हमारा पति है और इसी के साथ मैं जीऊंगी, इसी के साथ जीऊंगी, इसी के साथ मरूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके कहने से कुछ होगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आधार कार्ड किसके है, बच्चे किसके है, कहाँ से आया, बस तो गुलाम साहब आप इसको लेने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे भारत, आप आने का विचार कर रहे हैं कुछ? सर मैंने वजीर आजम पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया और हमारा जो है बिलाल साहब है सिंध वजीर आला को, सबको ये बात गई हुई है इंशाल्लाह, ये अब जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई के तहत ये भारत और सरकार एक दूसरे का फैसला करेंगे इंशाल्लाह, ये जल्द आएगा, अगर नहीं भी आया मैं हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाऊंगा और बच्चों को लेकर जाऊंगा सर। गुलाम साहब मुझे ये बताइए कि कहा ये जा रहा है कि सीमा हैदर चूंकि यहाँ आ गई है, वहां से किसी डाकू ने धमकी दी है कि अगर सीमा हैदर को भारत से वापस नहीं भेजा जाता है तो वो वहां पे कत्लेआम कर देंगे,
हिंदुओं को प्रताड़ित करेंगे, उनके खिलाफ मंदिर गिरा देंगे। नहीं सर, ये ऐसे कुछ बोल रहे, कभी भी हिंदू हमारे भाई है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये बेबुनियाद बातें हैं। और बस कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, हमारा सरकार मजबूत है, ऐसा कुछ भी कहना किसी को नहीं देगा, हिंदू या भारत में हो या पाकिस्तान में हो, वो मेरा भाई बहन है, ऐसा कुछ बात नहीं होगा। जो सजा सीमा को आना चाहिए, जो सीमा का एक गलती सीमा ने किया और घर छोड़ के सीमा आया, चार बच्चों को सीमा लेके आया, तो इसका दूसरे इंसानों पे असर नहीं पड़ना चाहिए। हम तो यही कहते हैं जो सजा का हकदार है वही सजा भुगते सर। अच्छा गुलाम साहब, मुझे ये बताइए कि आपका सीमा का रिश्ता, जैसे आपके चार बच्चे हैं तो बहुत अच्छा रिश्ता रहा होगा, लेकिन कभी खटपट होती रही होगी, झगड़ा लड़ाई होती रही होगी, जिस तरह से सीमा कह रही कि आप उनको कभी डांट देते थे, क्या कभी मार देते थे, ऐसा था क्या? सर शायद मैंने फोन पे इसको मारा होगा, उसको टॉर्चर किया होगा, 3 सालों से तो मैं इधर हूँ, पता नहीं ख्वाब में आके मैं इसको मार रहा था, शायद हो भी सकता है, अगर ख्वाब सच है, अभी देख रहे हैं जो ख्वाब, तो मैं इधर रहूंगा, शायद इसका ख्वाब सच होगा, मगर मैं कहाँ हूँ, बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी के लिए सर मैं आया हूँ, इनको पैसा भेजा, हर चीज किया, अभी वो एक झूठा प्रोपेगंडा चला रहे, चार बच्चे जीत का जागता सबूत है, किसके हैदर के, पैसा किसका गया, हैदर का गया, घर किसका बेचा तुमने, हैदर का बेचा, इल्जाम भी हैदर पे आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह करीम है, इंशाल्लाह हमारी भी कोई ना कोई सरकार तो सुनेगी, अदालतों में पूरा उम्मीद है सर। अच्छा हैदर साहब, बताइए आपकी शादी कौन से सन में हुई, क्योंकि इनके पास जो पासपोर्ट मिला है उसमें इनकी उम्र अलग अलग है, किसी में उम्र इनकी 22 साल लिखी हुई है और यहाँ पे उम्र ये अलग बता रही है, हकीकत क्या है, इनकी शादी कब हुई थी, आप दोनों लोगों की शादी कब हुई थी, उस समय सीमा हैदर की क्या उम्र थी? सर 2014 में जो मैंने ये निकालनामा दिखाया भी है, वो उसको प्रूफ भी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, 2014 में ये खुद कोर्ट आकर चलकर खुद अपने घर पे इसने बयान दिया, खुद अपना ये सही किया, अभी ये कह रहा है कि ये तो ये जो है ना कोर्ट का जो है ना निकाह भी झूठ है, ये कोर्ट के निकाह को कोई झूठ करा रहा है, मुझे भी झूठ करा दे रहा है, बस सीमा ही सच बोल रहे है, बाकी जो है दुनिया आम लोग सब गलत है, सीमा के कहने पे होगा सर? नहीं, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, सीमा के कहने से तो नहीं होगा, लेकिन हमारा ये कहना है कि भाई दो ही आदमी हकीकत जानते हैं, या तो आप जानते हैं या तो सीमा हैदर जानती है, तीसरा तो कोई नहीं जानता है, तो मैं यही आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो जितने कागजात डॉक्यूमेंट उसके पास से मिले हैं, अलग अलग कार्ड मिला है, जनसंख्या का अलग कार्ड मिला है, मैरिज सर्टिफिकेट अलग मिला है, और तो यही मैं आपसे समझना इसका जो उम्र चेंज करवाया, किस तरीके से किया, इस बारे में मुझे इल्म नहीं है, किसका एक पासपोर्ट का भी मुझे पता नहीं है, बच्चों का इसने बनाया, कैसे बनाया, किसने हेल्प किया, ये भी मुझे पता नहीं है, ये जब जब भारत में जाके पुलिस कस्टडी में आया था, पता मुझे तो सर तब चला ना बच्चे गए, मैं तो बिल्कुल ना इल्म था, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि इसका हेल्प किसने किया, इतना सारा कुछ जो ऐसे जाके भारत में निकल गया, लाजम अकेला एक औरत क्या कर सकते है सर, मुझे तो नहीं लग रहा। गुलाम साहब, ये बताइए कि आपको सीमा के पहले जो बातें कर रही थी, फिर वो बार बार बात बदल रही, आपको बातों में फर्क नहीं नजर आ रहा है, कितनी बार बात बदल चुकी? ये तो पूरी दुनिया को पता है कि वो झूठ पे झूठ बह रहा है, एक पट्टी जो सर के दूसरी पट्टी में जा रहा है, ये पूरा इनको जान चुके हैं घर बिल्कुल, तो कौन सच्चा है, कौन गलत है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो हर किसी की बातों में पता चल रहा है ना सर। तो आप भारत कब आएंगे? देख रहे सर अभी क्या हो रहा है, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊंगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उम्मीद तो मुझे है पूरा भारत सरकार से इसको इंपोर्ट किया जाएगा इंशाल्लाह, अगर नहीं हुआ तब फिर देखते हैं कोई फैसला लेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सर। चलिए गुलाम साहब, मैं समझता हूँ कि हम लोग मतलब आप भी अपने जो मकसद है उसमें अच्छा ये बताइए कि ये आसिफ कौन है? आसिफ इसका भाई है। अच्छा आसिफ इसका भाई है, अच्छा ठीक है, और अभी उसके परिवार में वहाँ कौन कौन रह रहा है? इसके दो बहनें हैं, एक भाई है सर शहर में कराची में, वैसे तो इनका मामू है, चाचू है, पूरा परिवार है। अच्छा। ये झूठ बोल रहा है कि मेरा कोई नहीं है, सिर्फ इनका पापा का डेथ हो गया, इनका वालदा का हो गया, बाकी तो जो भी इंसान है, सिर्फ आप वाइफ चक्र है, तो पूरा आपके पीछे एक परिवार होता है या सिर्फ मम्मी पापा होते हैं सर, पूरा परिवार जो भी है पूरा साबित है माशाल्लाह, पूरे इनके गांव है, ऐसा नहीं है कि सीमा सिर्फ एक है और इनका पापा और मम्मी की डेथ हो गई,
ये लावारिस है, घर पूरा इनका है, रिश्तेदार है, कौम है, यार पूरा कबीला है, धर्म माशाल्लाह। ये जो आसिफ है, आसिफ का कहना है ये उसके साथ तो उसका रिश्ता है, नहीं आसिफ उसका भाई है सर, उसका भाई है, रिश्ता कौन सा रिश्ता, भाई का रिश्ता। हाँ जी सर, भाई का रिश्ता है। चलिए हैदर साहब, हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने मकसद में कामयाब होंगे और हम आपका भारत में भी इंतज़ार करेंगे और आगे हम लोग फिर बात करेंगे। हम लोगों की तरफ से जो मदद होगी हम उसको भी करेंगे और उम्मीद है इंशाल्लाह हम फिर से बात करेंगे। मेरी बात आगे तक आगे पहुंचाए और हक हो सच हो, मैं नहीं करा मेरा साइड कोई लोए, इंसाफ अदालतों में भी है इंशाल्लाह, आप लोगों भाइयों से बहनों से जो हक हो सर वही होना चाहिए सर, बस मेरा यही गुजारिश है। शुक्रिया सर, धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया रहे। शुक्रिया, थैंक यू आगे कैसे सचिन और सीमा की कहानी बढ़ती है, फिर सीमा हैदर वहां से नेपाल आती हैं, नेपाल से बस के जरिए वो दिल्ली आती हैं, वो वीडियोस भी हम आपको एक्सक्लूसिव दिखाएंगे सिर्फ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे। उसके बाद सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा आती हैं और ग्रेटर नोएडा में सचिन के घर पे ढेर सारे वीडियो बनाकर लोगों को भेजती हैं, दिखाती हैं, बहुत सारे वीडियो हैं जिसको आपने कभी नहीं देखा होगा, तो आज ये सारे वीडियो सिर्फ आप देखेंगे। इंतजार किस बात का है, आइए हम आपको सीमा हैदर के वीडियोस दिखाते हैं।